अब छोटे छोटे बच्चे भी आराम से अंग्रेजी सीख सकेंगे, आसानी से सीख सकेंगे, क्योंकि मैं सेंटेंस ऐसे ही दिए हैं आज। सेंटेंसेस, बोलने के सेंटेंसेस बड़े तो सीख ही सकते हैं, बच्चे भी आराम से सीख सकते हैं यदि वे सीखना चाहें तो। जो सीखना चाहेगा वही सीख सकता है। किचकिचाकर, दांत घींचकर, मुट्ठी भींचकर, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? दांत घींचकर, किचकिचाकर, मुट्ठी भींचकर, अंग्रेजी बनेगी किचकिचाकर की क्लेंचिंग द फिस्ट, मुट्ठी भींचकर, क्लेंचिंग द टीथ, दांत घींचकर। ही बिट मी, उसने मुझे काट लिया। बिट बाइट, बिट बिटेन, तीन इसकी फॉर्म होती है काटने की। ही बिट मी, दांत घींच कर काट लिया, दांत घींच कर काट लिया, क्लेंचिंग द फिस्ट या क्लेंचिंग द टीथ। ही बिट मी, ही स्लैप्ड मी, उसने दांत घींच कर मेरे थप्पड़ मारा या मुट्ठी बांध कर थप्पड़ मारा, क्लेंचिंग द फिस्ट, किचकिचा कर थप्पड़ मारा। पुट आउट, पुट आउट बुझाने की ही अंग्रेजी है, मुझसे पूछी कई बार, पुट आउट बुझाने की अंग्रेजी है, लेकिन फूंक मार कर बुझाने की अंग्रेजी होती है ब्लो आउट, ये फूंक मार कर बुझाना है। अब देखें, पेट की आग बुझाना, टू सेटिस्फाई द हंगर, टू सेटिस्फाई द हंगर, सेटिस्फाई माने शांत करना, हंगर माने भूख, और भूख की एक और अंग्रेजी होती है एपेटाइट, APPETITE, टू सेटिस्फाई द हंगर, पेट की आग बुझाना। अब देखें इसकी अंग्रेजी आपने नहीं सुनी होगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, मैंने इसकी शाब्दिक अंग्रेजी भी दे दी है, और वैसे जो इसकी अंग्रेजी बनेगी वो ये नीचे वाली बनेगी। देखें, एज सून एज, जैसे ही शेव्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को मुड़वाया, इट हेल्ड, ओले बरसने लगे, हेल माने ओले बरसना, इट हेल्ड, ओले बरसने लगे, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ये हो गई इसकी शाब्दिक अंग्रेजी, अगर कोई बनाना चाहता है तो शाब्दिक अंग्रेजी जिस तरीके से बनेगी। दूसरी अंग्रेजी बनेगी, देखें, मिस फॉर्च्यून्स ओवर टुक हिम एट दी वेरी आउटसेट, आउटसेट, शुरू में ही मिस फॉर्च्यून ने उसे घेर लिया, दुर्भाग्य ने उसे शुरू में ही घेर लिया, मिस फॉर्च्यून्स ओवर टुक, घेर लिया हिम, उसे एट दी वेरी आउटसेट, प्रारंभ में ही, शुरू में ही। वह लालच का पुतला है, इतना लालच है कि भरा पड़ा है उसमें लालच, ही इज ए ग्रीड परसोनिफाइड, लालच का पुतला है, ही इज ए ऑनेस्टी परसोनिफाइड, परसोनी, यदि यदि हमें ऑनेस्टी लगाना है, ईमानदारी का पुतला है, तो हम ग्रीड की जगह ऑनेस्टी लिखेंगे, ही इज ऑनेस्टी, केवल ऑनेस्टी, परसोनिफाइड। यह मेरे देखने में आया है कि, यह मेरे देखने में आया है कि, अब इसकी अंग्रेजी बोलते तो बहुत है, हिंदी में अंग्रेजी में साफ हो जाते हैं। एक हैज कम इनटू माय व्यू, यह मेरे देखने में आया है कि, अब की लगाना है तो दैट लगा दीजिए उसके आगे, ये फुल स्टॉप हटा दे, दैट लगा दे। यह मेरे देखने में आया है कि, इट हैज कम इनटू माय व्यू, कोई दूध का धुला नहीं है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? नो बडी इज प्योर वाइट, कोई दूध का धुला नहीं है, नो बडी इज मिल्क वाश्ड, यदि शाब्दिक बनानी है तो ऐसे बना लो, नो बडी इज मिल्क वाश्ड, दूध का धुला। अगर तुम्हारे पास गिलास नहीं है तो ओक से पी लो। आपने इसकी अंग्रेजी इससे पहले ना तो देखी होगी, ना सुनी होगी, और ना ही आप आगे देख सकेंगे। देखें, ओक से पी लो, ऐसे करके पानी पीना, ऐसे करके, जब गिलास नहीं है, बर्तन नहीं है, तो ऐसे करके पियोगे ना, नल से पी लो, चाहे टंकी से पी लो। देखें, अगर तुम्हारे पास गिलास नहीं है तो ओक से पी लो, इसे ओक कहते हैं, ऐसे करके पी लो। देखें, इफ यू डोंट हैव ग्लास, अगर तुम्हारे पास गिलास नहीं है, ड्रिंक वाटर फ्रॉम हॉलोड पाम, ओक,
ओक की अंग्रेजी हॉलोड पाम ये, और इस तरीके से पी लो। हॉलोड पाम माने ओक। एक से बढ़कर एक पड़ा है दुनिया में, एक से बढ़कर एक पड़ा है। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। वन बेटर देन द अदर आर लाइन इन द वर्ल्ड। अब ये यदि आप कहें बेटर की जगह नाइसर कर सकते हैं। एक से बढ़िया एक की अंग्रेजी है वन नाइसर देन द अदर। इस तरीके से आर लाइन पड़े हैं इन द वर्ल्ड संसार में। बजे का अलार्म लगा दो, कितने बजे का? 6 बजे का लगा दो, 6 बजे का अलार्म लगा दो भैया। सेट द अलार्म एट 6, 7 बजे का लगा दो, 6 की जगह 7 लिख दो। 8 बजे का लगा दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, जो आपकी इच्छा है। सेट द अलार्म एट 10, 10 बजे का अलार्म लगा दो। उसकी जमानत जब्त हो गई। अब चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कुछ की तो जमानत ही जब्त हो जाती है। देखें उसकी जमानत जब्त हो गई। हिज सिक्योरिटी वाज फॉरफीटेड, ये शब्द आएगा FORFEITED, फॉरफीटेड जब्त हो गई। वह आग भी लगाता है और पानी भी डालता है। आजकल का तो जमाना यही है कि आग भी लगाओ खुद ही, पानी भी खुद ही डालो। देखें He has fire on one hand. He has fire on one hand. एक हाथ में तो उसकी आग है। He has fire, fire माने आग, on one hand and water on another. और दूसरे में पानी। वो एक आग में, एक हाथ में आग लिए फिर रहा है, दूसरे में पानी लिए फिर रहा है। पहले आग लगाएगा फिर पानी छिड़केगा। आजकल ऐसे ही जमाना है। समय रहते सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ, समय से सुधर जाओ। Mend your ways before the day is out. Before the day is out. समय रहते, ये इसकी हिंदी हुई। Before the day is out. समय रहते अपने आप को सुधार लो, अपने रंग ढंग सुधार लो। Mend your ways before the day is out. Do this work. ये काम कर लो। Before the day is out. समय रहते ये काम कर लो। Do this work. Before the day is out. Day माने दिन। तीर निशाने पर लगा, तीर ठीक निशाने पर लगा। देखें अंग्रेजी क्या होगी। The arrow hit the bull's eye. निशाना, bull's eye. The arrow माने तीर, hit लगा, the bull's eye, bull's eye निशाने पर लगा, ठीक तीर निशाने पर लगा। देखें वह मुझसे 2 कदम आगे निकल गया है। मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे निकल गया है। मेरा भाई मुझसे 2 कदम आगे निकल गया है। इस तरीके से मेरा दोस्त मुझसे 2 कदम आगे निकल गया है। कितना बोलते हैं, बस सब्जेक्ट बदल दो। देखें He has gone 2 steps farther than I. इस तरीके से बनेगा, वो मुझसे 2 कदम आगे निकल गया है। My son लगा दो ही की जगह, मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे निकल गया है। My brother has gone, मतलब भाई के लिए कहना है तो फ्रेंड के लिए कहना है माई फ्रेंड, ही की जगह कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद आंखों में आंखें डालकर देखना। आंखों में आंखें डालकर देखने की अंग्रेजी थोड़ी सी मैंने अलग से बनाई है। दे वर मूनिंग टू मून इन टू ईच अदर्स आईज, टू मून इन टू ईच अदर्स आईज। दे वर मूनिंग इन टू ईच अदर्स आईज, वे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। तुम्हें वक्त के साथ चलना चाहिए, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, तुम्हें वक्त के साथ चलना चाहिए, उसे वक्त के साथ चलना चाहिए। ये सबकी अंग्रेजी बनेगी क्या? यू शुड स्विम विद द स्ट्रीम। देखिए बिल्कुल तुकांत है। यू शुड स्विम विद द स्ट्रीम, अर्थात राइमिंग है। तुम्हें वक्त के साथ चलना चाहिए। ही शुड स्विम विद द स्ट्रीम, उसे समय के साथ चलना चाहिए, मुझे समय के साथ चलना चाहिए। आई शुड स्विम विद द स्ट्रीम, किसी के लिए भी कह सकते हैं। शी शुड स्विम विद द स्ट्रीम, उसे समय के साथ चलना चाहिए। शी लड़कियों के लिए आता है। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।